पबजी का लेवल 1 का हेलमेट है वो ये पबजी का नहाने की बाल्टी को कचरे का डब्बा बना लो तो दिमाग नहीं चल रहा है दिमाग कैसा गया पहला रोजा मम्मी ये दिल आपके लिए सो हेलो गाइस मैं हूं अप्रेश मैं हूं जिशान और हम हैं पोकर्ड सो गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ और अभी यहां पे कल आपको बताए थे कि आज भाभी आए हैं तो सामान लेने तो हमने आपको बताया कि क्या सामान लिया है यहां पे अभी तक तो इतना ये चीज कौन लिया मैं कल में भाभी ने चीज मंगाया बोले चीज ये सब चीजें लिया है अभी और यहां पे गाइस ये देखो यहाँ पे अभी कुकर से भाव मिल गया अब्रेश को लूटने का प्लान कर रहे हैं कुकर सिलेक्शन हो रहा है अभी देखते हैं लोग क्या लेते हैं कैसा समझ में आता है लोगों बड़ा कुकर लेते हैं छोटा कुकर ऊपर वाला देख रहा है देखो छोड़ेगा नहीं ऊपर वाला तेरे साथ नहीं रहेगा तू मेरा दिल दुखा रहा है देखो इन लोग क्या करे क्या पसंद आ रहा है ना कभी ना कभी लेके तब देखता हूँ फाइनली मैं कट गया हूँ एक कुकर से वैसे तो अभी के लिए तो कुकर हादसा क्या हुआ मालूम आपको उसकी सीटी खराब थी सिर्फ सीटी तो बन जाती थी लेकिन खुपी बोले ना लेंगे यस मम्मी लास्ट टाइम भी देख रहे थे ना मम्मी आयशा ने तो गाइस आयशा ने बोली कि हाँ मम्मी नया ही लो नया अच्छा लगेगा वो पूरा गंदा हो गया थोड़ा इस वजह से तो अभी चेंज करके ना 5 लीटर वाला ले रहे क्या हो बेबा ले लिए सुकून 6 लीटर का नहीं मिल रहा है 7.5 लीटर का है अच्छा नहीं नहीं इतना बड़ा भी अपने को जरूरत नहीं है छोटा 5 लीटर वाला लो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या उसकी और जो कर रहे थे तुम करो अभी उसका क्या कर रहे थे तुम सर पे इसको बताएं बचाने कैप है वो अब तक उस चीज का हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे आज मुझे उसका असली यूज पता चला करो बेबा पबजी का लेवल 1 का हेलमेट है वो ये चलो उन्हें अबे तुम लोग बस कर दो क्यूट लग रहा है उनको चढ़ा रहे थे लेकिन मत लो कढ़ाई दाल बोलते ना इसको कढ़ाई दाल हाँ नहीं मेरे को बिल्कुल मन नहीं अबे मत रखो हाँ बेबा जो चीज का यूज है वो चीज मत ले सही कुछ मत लगा हाँ ओके बेबा डन चलो अभी तो गाइस अभी मम्मी ने एक फरमाइश की है जो कि मुझे पूरा करना है तो मम्मी को जो चाहिए मम्मी रुको देख ले रहा हूँ मैं है या नहीं है हाँ हाँ तो ले लो ये भी वाला था ना हाँ लेकिन ये घेव का नहीं है ये मैदे का मोश का है अच्छा ठीक है देखो जो तुमको जो सही लगे वो ले लो वो खा लेंगे हम लोग हाँ हाँ अपने मम्मी जो चीज़ अपने को आपको चाहिए था वो नहीं मिला ओ माँ नहीं है होता तो ले नहीं लेता वही ना जो हाइफा खाती है वो ट्रायंगल वाला हाँ नहीं है यहाँ पे तो इन लोग ने इसमें इतनी सारी फालतू चीज डाले हैं जो मेरे को लग रहा है कि आधी से ज्यादा घर पे है अच्छा चलो निकलते हाँ चलो हो गया मम्मी इफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा नहीं तो हाँ ले लो चलो ले लो जल्दी वो आटा रखने के लिए जगह रहेगी हाँ चलो तो गाइस आयशा ने ये सब मसाले ले रही है क्योंकि इसको जब भी वो घर पे आएगी बोल रही कि कुछ ना कुछ पकाऊंगी तो ये सब मसाले की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी ठीक है रसगुल्ला ठीक है डन इफ्तारी बाद खा लेना बेबा चलो चलते ऊपर अभी एक वो आटे का डब्बा लेने का बस इन लोग नादानी ब्रो तो गाइस आयशा को एक कचरे का डब्बा मिला है मैं दिखाता हूँ भाभी नहीं दिखाया तो मैं कुप्पी और भाभी दोनों एक चीज बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है ना तो इसमें आसानी हो ऐसा उठा के लेके हाँ इसी को नहाने की बाल्टी को कचरे का डब्बा बना लो है ना वेरी गुड गुड गोइंग चलो अब थोड़ा लेट हो रहा है बाकी सब सामान भी रेडी हो घर आ जा चलो घर चलो 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 मम्मी हो गया चलो अभी तक ये चीज लिए हुए है यहाँ पे ये रखा हुआ है वहाँ पे देखो गाइस ये यूजलेस चीज वो डब्बा और चीज तो अच्छा चीज ले चुके चीज तो काम की है ही ये देखो ये सब मसाले भी काम के यूजलेस बोल के मतलब ये बोले क्या पप्पी ने और भाभी ने कि यूजलेस भी होगी तो हम लोग उसको यूज करेंगे देखते हैं वो कौन से जन्म में यूज होता है लेकिन ये भी नहीं पता कि यूज होगा भी कि नहीं होगा वो तो
ये सब अभी तक इतने चीज स्कैन हो चुके हैं, वहाँ पे और सामान बाकी है गाइस। तो गाइस हम लोग ने सब सामान ले लिए हैं। निशान देख लिया बिल देख लिया, थोड़ा सीने में तकलीफ हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। तो यहाँ पे लोग ने सब पैक वैक कर दिए है। ये हम लोग कभी कंफर्ट डाले नहीं अपने कपड़ों की खुशबू के लिए। आयशा ने बोली ये डाल के यूज़ करके देखो तुमको खुशबू में कपड़े में खुशबू आएगी। खुशबू तो आप नीता परफ्यूम से वही तो, लेकिन कौन समझाए इनको। तो ये मैडम बात करिए अब्बा से, मतलब आयशा अपने डैडी से बात करिए। हो गई, चलो फिर हो गया अपना अभी। चलो मम्मी और कुछ लेने गए बोल दो। नहीं पक्का, सदमा क्यों लगा आपको? दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहे हैं। चलो थक गए, रोजा रख के ना। चलो हम लोग ने सामान बस रख दिए हैं और अब निकलते हैं, है ना। और कुछ लेने का नहीं है ना? हाँ बेबा, रोजा हो ठीक है, बाद में खाएंगे रोजे इफ्तार के बाद। चलो चलते। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर पे सब सामान लेकर। तो अभी आयशा तुम क्या बना रहे हो? ये चिकन का चिकन फ्राई करूंगी और कीमा। चिकन फ्राई और कीमा, ओ हो क्या बात है। तो अभी अभी इफ्तारी के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं सब एक काम करता हूँ बाहर से लेके आ जाता हूँ, है ना। तो अभी वो सब कुछ नहीं हुआ, ठीक है फिर ठीक है। तो गाइस बस यहाँ पे लोग जूस वूस रेडी कर देंगे और मैं इफ्तारी का सब सामान बाहर से लेके आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो रात में आयशा के हाथ का खाना खाएंगे, मज़ा आएगी। इन लोग यहाँ पे जब तक नमाज़ पढ़ रहे हैं हम लोग जाके सब सामान लेके आते हैं ना। चल निकलते हैं। इतनी घाई घाई में मैं नीचे उतरा, मैं गाड़ी की चाबी गाइस नीचे ऊपर ही भूल गया। तो अभी यहाँ से ऊपर से आवाज़ दे के मंगवाएंगे। जाहिद लोग घर पे ही है। तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है घर में, मतलब आयशा के आने के बाद बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो कोई लड़की तो है घर में, नहीं तो घर एकदम शान था। तो जब आयशा आती है तो तब ऐसी लगता है कि हाँ चलो सब कुछ है घर में। यानी अभी उदापी और हाइफा की कमी बहुत कम महसूस हो रही है क्योंकि एक लड़की और है घर के अंदर। चलो फिर निकलते हैं अभी। तो आज भी मेरे को ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, कड़िंगड़ लेने का है और खरबूजा लेने का है और टेको कुछ लेने का है। घर पर है ना वहाँ भी, चलो लेते हैं ये सब चीज़ और फिर स्टार्टर के सामान लेके फिर निकलते हैं। एक नंबर वाला कड़िंगड़ दे दिया अंकल ने, मज़ा आएगी इसको खाने में आज। ये सब दो दो ले लिया हूँ, मस्त एकदम मज़ा आ जाएगी आज तो खाने। हाँ ये क्या कर रहा है? अच्छा तू वो वाला खा रहे हैं, ताला वाला ही है वो भी। मैं खा रहा नहीं हूँ, ले रहा हूँ घर के लिए ले रहे हैं। तो आज मम्मी को खाने का मन हो रहा था खिचड़ा, तो मैं खिचड़ा भी ले ले रहा हूँ यहाँ से। तो लेते हैं और निकलते हैं फिर। चल चलते। आज भी मैं घर पे आया तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने मिल रहा है? अबे सब करके रख, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं बचा ना। देखो गाइस मम्मी ने वाटे बना के रखे हैं, बोले अबरे जाके सिर्फ काटेगा और मिक्स करेगा। जो नमक है ना पुप्पी को वही अच्छा लगता है। मम्मी को मेरा हाथ का जायका पसंद है गाइस। आज मैं आयशा को भी खिलाऊंगा वो जायके वाला चाट मेरा, देखते उसको कैसा लगता है। हाँ बेबा हाँ ठीक है, चलो फिर ये काट लेते हैं जो लेकर आए हम लोग ने और सबको एक साथ अच्छे से लगा देते हैं और फिर इफ्तारी करने बैठेंगे साथ में। तो आज आयशा को अपने हाथ का मसालेदार चाट खिलाने वाला। अबे दिशा ये ट्रायंगल देख के था हार्ट शेप में कटा हुआ है, इसको दिल बना दू? तू बोल दिल बनाओ इसको। आज सब बन गया नहीं? अबे देगा भी तू? तीन जगह से काटनी है ना, ये दो जगह से। ओहो ये पोलियो वाला हार्ट है, पोलियो वाला है। एक साइड से पतला हुए हो। अब मत कर, अपनी खराब कर रहा हूँ मैं बस। देख रहे हो गाइस मैं दिल बनाया हूँ, अब तुम लोग खराब बोल रहे हो तो क्या करें। यहाँ पे हम लोग अपनी वाली पुरानी टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये बस ज्यादा दिखने के लिए कि ज्यादा लगे तो ज्यादा दिख के ही पेट भर जाए। हाँ, यहाँ पे लेकिन मम्मी बोले कि प्लेट कम यूज करो, तुम लोग बहुत ज्यादा गंदी करते हो, इस वजह से हम लोग सोचे कि सब चीज एक ही में भर के डाल देते हैं। तुम एक साथ ही बैठ के सब खा लेंगे, सब एक साथ ही हाथ डाल लेंगे। भाभी आपके लिए खिचड़ा प्लेट में निकालने जा रहे, आपने मंगाए थे ना? अरे ले मजा आएगी मम्मी, आप टेस्ट करो, अच्छा खिचड़ा रहेगा शायद, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ना जिशान खाएगा वो खिचड़ा, मटन का है ना इस वजह से। सो गाइस अनफॉर्चुनेटली अक्षत जो चाहता था वो हो गया,
भाभी खाना नहीं बना रहा मैं कुछ बना रहे क्योंकि भाभी की पहली रसोई बाद में होगी ना गाइस और वो चीज का प्रॉपर वीडियो और टेस्टिंग वेटिंग सब आपको मिल जाएगा गाइस और रेसिपी गाइस मैं सच्ची बोल रहा हूँ बहुत अच्छा खाना पकाती है आप लोग को ना रेसिपी की वीडियोस भी मिल जाएगी उसकी टेंशन मत लेना बहुत जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट माय भाभी आज आयशा को अपने हाथ की खिचड़ी आयशा को अपने हाथ की खिचड़ी खिला दो तो गाइस जिशान चले गया है इफ्तारी करने के लिए ऊपर और अभी हम लोग इफ्तारी करने बैठ ही रहे हैं बस चलो बैठ जाओ आराम से और स्टार्ट करते हैं दुआ कर लो क्या मोटे नहीं होना क्यों आप मोटे ही अच्छे लगते हाँ आप दुबले नहीं अच्छे लगते आप मोटे ही बहुत प्यारे दिखते हैं ऐसे छबी छबी ऐसा मन करता है ऐसा हिला दो आपका मुंडी पकड़ के आग में मिर्ची चलेगी मेरा आग में मिर्ची थी ही नहीं नहीं सही मिली ओ ना मेरे बच्चे को क्या हुआ अजान का वक्त है दुआ मांगो चलो खाते मम्मी ये दिल आपके लिए लो मेरा दिल है मम्मी उसको चीड़ के देखो मेरा आपका ही नाम होएगा अरे मां तोड़ दिया आपने तो मेरे दिल को बेरहमी से चितड़ा हो गया आज आयशा के साथ पहला रोजा मेरा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है अभी जो सामान लाना हो सब इधर उधर रख दिए लोग ने तो वही लेकर आ रहे तो गाइस बहुत मजा आ रही है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है एक लड़की घर में और है घर में जो साथ में हम लोग के इफ्तारी खोलने के लिए भी हाँ बेबा और वो लड़की कोई और नहीं मेरी बीवी है चलो जल्दी जल्दी इफ्तारी करते नमाज पढ़ते और फिर तराबी के लिए भी जाने गए कैसा गया पहला रोजा मस्त साथ में पेट भरा अच्छे से एकदम जो एक क्या बोलते हैं वो सफाई करने वाली बीमारी रहती है वो है क्या तुमको हाँ हर चीज घसने लग जा रहे हो साफ करने लग जा रहे हो क्या हो गया इतना सफाई की जरूरत नहीं है वैसे भी बहुत साफ है आजकल घर आजकल ऐसा क्या हो गया तुम कर रहे हो ना ठीक है गाइस चलो जब तक यहाँ पे सब साफ काम हो रहा है थोड़ा अभी आराम करते हैं क्योंकि तरावी का वक्त होने वाला है क्योंकि तरावी बहुत लंबी चल जाती है ना थोड़ा पैपा यानी बदन को आराम चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का हो गया है इफ्तारी भी और बहुत अच्छा लग रहा तो अभी चलते हैं सब चलते हैं तरावी पढ़ते हैं दुआ करते हैं ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं करते हैं हमारे इसीलिए लोग हमें कहते हैं फोकस ब्लॉग अच्छे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मतलब डबल आइकन